ये मैंने तेल दे दिया है। इसको हम गर्म होते थे, गर्म होने देते हैं। ये जब ब्राउन कलर का हो जाएगा तब मैं इसमें अदरक का पेस्ट दे दूंगी। ये मैं दे रही हूँ अदरक का पेस्ट। ये हमारा ये हो गया है और इसमें अब मैं अंगूर की सब्जी ले लूंगी। ऐसे करके अब मैं इसको ढक दूंगी। और ये मैं अब इस मसालों का प्रयोग करने वाली हूँ। ये हल्दी है, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च और ये मेरा फेवरेट सब्जी मसाला और ये धनिया पाउडर। मैं इन सबको अभी ऐड करने वाली हूँ। आप देखिए अभी हमारा लगभग पक चुका है। अभी इसमें हम मसाला ऐड करेंगे और ये रहा हमारा मसाला जो मैं एक साथ इसमें डाल दूंगी। मैं डाल दिया है कलर कश्मीरी लाल मिर्च। आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल वाला पाउडर डाल सकते हो। और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालने से क्या होता है कि इसका कलर जो है वो अच्छा आता है, तो इसलिए मैं कश्मीरी लाल मिर्च ज़्यादा यूज करती हूँ। तो ये हमारा लगभग पक चुका है और हम इसको पकाएंगे 5 मिनट, ठीक है। और इसको ज़्यादातर हम लोगों को मतलब इसको ढककर ही पकाना चाहिए। इसमें हम थोड़ा सा पानी दे देंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी देंगे। पानी देते हैं हम सब वो जो लंगूर जो है वो जल्दी से पकता है। इसको ढक रहे हैं। अभी ये पानी जो है वो सूख गया है। अभी मैं इसमें नमक डालूंगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं नमक लास्ट में क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि ये जो सब्जी है ये पकने के बाद कम हो जाता है, तो इसका अंदाजा आपको बाद में पता चलेगा
और ये नमक डालने के बाद मैं 2 मिनट के लिए इसको ढक कर रख दूंगी और उसके बाद मैं इसको गैस ऑफ कर दूंगी इसका। ठीक है, तो स्वाद अनुसार आपको इसमें नमक देना है। इसमें दे दिया और इसको मैं अभी ढक कर रख दूंगी। वैसे नमक देने से भी चलता है, लेकिन बाद में देने से आपको ये पता चलेगा कि ये सब्जी इतना तक मतलब कम होगा। ये मतलब पकने के बाद इसका जो पानी है वो निकल जाता है और निकलने के बाद ये सब्जी अपने आप थोड़ा कम हो जाता है। तो पहले देने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको अंदाज़ा लगाना आता हो तो। अब मैं इसको ढकने जा रही हूँ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो चुका है, ये मेरा रेडी है। ये कलर कितना अच्छा है देखिए, देखिए इसका मैं गैस ऑफ कर देती हूँ। ये अब सर्व करने के लिए रेडी है। ये हमारी सब्जी लंगूर की सब्जी रेडी है। आप इसको देख सकते हो ये कितना अच्छा लग रहा है। इसका कलर कितना अच्छा है आप इसको देख सकते हो। इसको आप ये देखिए, इसको खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत पसंद है, इवन कि मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। आप लोग इसको बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना और कमेंट मत भूलना। थैंक यू।